हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो करते हैं वापस से स्टार्ट। लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने बात की थी स्टेयरकेस के बारे में। स्टेयरकेस में हमने यूज किया था स्टेयर बाय कंपोनेंट। आज हम बात करेंगे स्टेयर बाय स्केच के बारे में, क्लियर। तो लास्ट वीडियो में बेसिकली हम स्टेयर बाय कंपोनेंट का सिंपली यूज कर रहे थे कि हमने सेलेक्ट किया एंड रन लेके हमने अपनी स्टेयरकेस को नॉर्मली क्रिएट कर लिया। जो भी हमें एडिट करना था हम प्रॉपर्टीज में जाकर एडिट कर सकते हैं, क्लियर। सेम यहां से हमने चेंज किया इसको शेडेड व्यू, क्लियर। अब बात करेंगे हम स्टेयर बाय स्केच के बारे में। हम वापस आए लेवल वन एंड साउथ व्यू में हमने अपने लेवल्स को किया। सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी यूनिट्स को सेट। तो यहां से फॉर्मेट में हमने किया इसको फिट एंड इंचेस एंड लेवल्स की हाइट हमने की 10 फिट। एंड हमारे लेवल्स की हाइट होगी 10 फिट एंड हमारी स्टेयरकेस प्रॉपर उसके बराबर तक आई है। वापस से लेवल वन एंड स्टेयर बाय कंपोनेंट से बनी स्टेयर को हम करते हैं डिलीट। हमने लिया इस बार स्टेयर बाय स्केच। जैसे ही आप स्टेयर बाय स्केच लेंगे आपको यहां पे सेम रन एंड आपको मिलेगा बाउंड्री एंड राइजर। हम बात कर रहे हैं अभी रन की। हमने क्लिक किया एंड आपने ये तो आपके 17 रेजेस क्रिएट हुए। आप यहां पे चेक कर सकते हैं ये कुछ डिजाइन नंबर 17 एंड विड्थ आपके 3 फिट। आप चाहे तो यहां से विड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो विड्थ आपकी चेंज हो गई। आपने कहा वापस से आपको 3 फिट चाहिए, आपने 3 फिट किया तो आपकी विड्थ स्टेयरकेस की चेंज हो गई। एक्चुअल ट्रेड सेम आप यहां से देखेंगे। मैंने कहा 1 फिट मेरे को चाहिए तो आप यहां पर देखेंगे एंजॉय एंड मैं चमको वगैरह एंड हमारे जो ट्रेड्स हैं वो 1 फिट को गया। आप मेजर कर सकते हैं सिंपली तो आप देखेंगे पूरा 1 फिट है एंड आपको करना सिंपली फिनिश कंटिन्यू। हमने कहा आप यहां से देखेंगे कि हमारी जो बाउंड्री है यहां पे प्रॉपर इससे मैच नहीं है। तो जैसे ही मैं फिनिश कर रहा हूं यहां पे हमको वार्निंग शो कर रहा है कि आपकी बाउंड्री लाइंस प्रॉपर राइजर से कनेक्ट नहीं है। तो हम इन लाइंस को सिलेक्ट करके आगे तक यहां तक इनको करेंगे प्रॉपर मैच। सॉरी कंट्रोल जेड मैंने किया एंड ये प्रॉपर ये आप इसको ट्रिम एंड एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने ट्रिम एक्सटेंड किया एंड हमने किया फिनिश एंड ओके एंड वापस हम 3D में देखें तो हमारी स्टेयरकेस बन गई। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि जो ये हमारी सेंटर पार्ट की लाइन थी हमने एडिट स्केच किया। सेलेक्ट करके आप अपने स्टेयरकेस को एडिट कर सकते हैं। हमने इस सेंटर लाइन को इस पॉइंट पर लगाया, क्लियर एंड फिनिश हमने किया एंड 3D में हमने देखा तो ये हमारी कुछ इस टाइप की स्टेयरकेस बन गई। अब पहले ही स्टेयरकेस बनाने से पहले यहाँ पे वैल्यूज अपनी ऐड कर लें प्रॉपर। हमने इसको किया डिलीट। वापस से हमारे लेवल 1 पर सेम हमने लिया स्टेयर बाय स्केच। अब हमने रन लिया यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी जो हमें स्टेयर बाय कंपोनेंट में मिल रही थी। लेफ्ट से आप बना सकते हैं, राइट से आप बना सकते हैं, सेंटर से आप बना सकते हैं, वो हमको यहाँ पर ऑप्शंस नहीं मिल रहे। अब हमें बनानी है लैंडिंग, तो हम वो किस तरह से बनाएंगे। तो हमने क्लिक किया यहाँ पर, हमने 7 राइजर्स बनाए एंड जब आप यहाँ पर लेंगे तो आपको एक रेफरेंस ग्रिड लाइन मिलेगी। बेसिकली लैंडिंग आप इससे बना सकते हैं। तो मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया, मैं इस पॉइंट से मैंने स्टेयरकेस अपनी इधर क्रिएट की एंड ये सेंटर वाली पार्ट जो मेरा बना, अब ये बना मेरा लैंडिंग। मैंने फिनिश किया एंड मैं 3D में इसको देख सकता हूँ। तो यहाँ से हम ऊपर चले एंड ये हमारी लैंडिंग एंड ये हम ऊपर पहुँच गए। सेम इसी तरह से आप अगर आपको यू शेप में बनानी है तो आप ले सकते हैं स्टेप बाय स्केच। हमने क्लिक किया, हमने 6 राइजर बनाए, हमने सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक लिया एंड वापस से हमने इस पॉइंट से हमने ये क्रिएट की। तो ये हमारी पोर्शन बनी लैंडिंग। हम 3D में इसको देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की हमारी स्टेयरकेस क्रिएट हो गई, क्लियर। आप इसको वही चीज कि आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से स्टेयरकेस का टाइप आप चेंज कर सकते हैं। मोनोलिथिक चाहिए आपको, आपने मोनोलिथिक अभी डिलीट हो गया क्योंकि यहाँ पे बन नहीं सकती, उसने एरर दे दिया। हमने कंट्रोल जेड। हम बात करते हैं अपनी आगे। अब स्टेयर बाय स्केच का बेसिकली यूज होता है जहाँ पे हमारे पास कुछ ज़्यादा टिपिकल स्टेयरकेस हमें बनानी हो, तो वो हम कैसे बनाएंगे। अब सेम चीज मैंने रन लिया,
मैंने स्ट्रेट स्टेयरकेस बनाया। अब ये स्टेयरकेस अगर मैं फिनिश करके आपको दिखाऊं तो कुछ सीधी है हमारी, ठीक है, एंड हम इनको करते हैं डिलीट। हम लेवल वन पे आए, हम स्टेयरकेस में चाह रहे कुछ एडिट करना, हमने स्टेयरकेस को किया सिलेक्ट एंड यहाँ पे एडिट स्केच में आपने क्लिक किया तो आप स्टेयरकेस को कर सकते हैं एडिट। अब चाह रहा हूँ ये कुछ मैं राउंड शेप में मैं इसको बनाऊं, तो ये देखेंगे आप ये साइड की जो है ये बेसिकली है हमारी बाउंड्रीज, क्लियर। ये सेम आपको जो बाउंड्री दिख रहा है आप इस बाउंड्री से ये बाउंड्री क्रिएट करेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों सेम है ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो ये हुई हमारी साइड वाली बाउंड्रीज, सेम ये हमारी बाउंड्रीज है एंड ये सेंटर के जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली है हमारे राइजर, अगर हमें कोई राइजर बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। हमने डिलीट किया इसको एंड मैं चाह रहा हूँ इसमें कुछ एडिट करना, तो मैंने बाउंड्री ली, इस पॉइंट से मैंने पकड़ा एंड मैं ले रहा हूँ आर्क, मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया एंड इस पॉइंट पे एंड मैंने इस टाइप की एक आर्क बनाई। मैंने सेम इसको सेलेक्ट किया एंड मिरर लेकर मैंने इसके सेंटर से मिरर किया इस साइड, मैंने ये अंदर वाली बाउंड्रीज को किया डिलीट एंड इनको मैंने प्रॉपर इससे कराया मैच, ठीक है। आप एक एक करके मैच कराएं, मैंने इसको मैच कराया, सेम आपको इनको मैच कराना होगा प्रॉपर। बाउंड्री से आपके राइजर्स अटैच होने चाहिए एक तरह से, क्योंकि जब तक वो अटैच नहीं होंगे तो आपकी स्टेयरकेस कंप्लीट नहीं होगी, वो जैसे ही आप फिनिश करेंगे एरर दे देगा आपको, ठीक है। ये हमारा बाकी है तो हमने इसको बनाया एंड सेम हमने इसको बनाया, ये आप कोई ऑटोकैड का प्लान इंपोर्ट करके स्टेयरकेस का आप उस पर अलग से भी अपनी स्टेयरकेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रॉपर बन गए एंड जैसे ही मैं फिनिश करूंगा एंड मैं थ्री में देखूंगा तो मेरी स्टेयरकेस कुछ उस टाइप से चेंज हो जाएगी जिस टाइप से मैंने उसमें प्रोफाइल्स बनाई, क्लियर। मेरी स्टेयरकेस बन गई सेम, अब मैंने ये बेसिकली रन टूल से मैंने स्टेयरकेस बनाई थी देन मैंने इसको एडिट किया था, क्लियर। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया एंड यहां से हमने एडिट किया था, अब प्रॉपर हमें अपनी स्टेयरकेस बनानी, हम इस रन टूल का यूज ही नहीं कर रहे, हम बाउंड्री एंड राइजर्स के अकॉर्डिंग अपनी स्टेयरकेस बनाना चाह रहे हैं एल शेप पे, क्लियर। तो हमने ली बाउंड्री, हमने कमांड ली, वापस से मैं जा रहा हूं, हमने ली स्टेयरकेस में स्टेयर बाय स्केच, यहां से आपको लेना बाउंड्री। बाउंड्री बेसिकली स्टेयरकेस के साइड का पार्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट स्टेयरकेस में बताया, मैंने बाउंड्री ली, मैंने बाउंड्री क्रिएट की, क्लियर। मैंने ऑफसेट लिया कि मैं राइजर बना विड्थ बना रहा हूं अपनी स्टेयरकेस की 4 फीट, तो मैंने यहां से ऑफसेट लिया एंड यहां पे मैंने 4 फीट, मैंने इसको सिंपली क्लिक किया 4 फीट। अब मैं चाह रहा हूं कि यहां से मैं अप चलूं, तो मैंने यहां पे एक राइजर लिया एंड मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक राइजर मैंने क्रिएट किया, मैंने ऑफसेट लिया 10 इंच का, मैंने लिया ट्रेड, मैंने क्लिक करा, सॉरी 10 फिट हो गया, हमने इसको डिलीट किया, ऑफसेट में हमने 10 इंची 10 इंच हमने लिया एंड हमने कुछ अपने स्टेप्स क्रिएट किए, मैंने 5 ये स्टेप्स क्रिएट किए एंड यहां पे मैं चाह रहा हूं मेरी लैंडिंग बने एंड मेरी स्टेयरकेस कुछ इस टाइप के इस साइड घूमे, क्लियर। तो मेरे को वापस से लेनी होगी बाउंड्री, मैंने ये बाउंड्री बनाई सेम ऑफसेट, क्योंकि हमारी विड्थ जो है इस तरीके से 4 फिट की है, तो हमने 4 फिट ली एंड ये हमने बनाया। ये इस लाइन को आप कर सकते हैं फिलिट, ट्रिम एंड एक्सटेंड, इस पॉइंट पे एंजॉय एनमेंट्स एंड हमने लिया वापस से राइजर एंड ये पॉइंट होगा मेरा राइजर एंड ट्रिम एक्सटेंड की मदद से ये होगी मेरी बाउंड्री, क्लियर। आप चाहते हैं आपको सेंटर में से कुछ राइजर्स बने तो हम यहाँ पे सेंटर में राइजर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा अभी, क्लियर। मैंने फिर कंटिन्यू किया, ऑफसेट लिया मैंने
10 इंच के मेरे ट्रेड, मैंने 5 या 6 ट्रेड अपने यहां पर क्रिएट किए, ठीक है, 6 मैंने क्रिएट किए, एंड इस पॉइंट से वापस अपनी इस तरीके से इस साइड ला रहा हूं, तो मैंने वापस से बाउंड्री ली, एंड इस पॉइंट से मैंने बाउंड्री अपनी इस पॉइंट तक मैंने अटैच की, ठीक है, एंड इसका मैंने ऑफसेट दिया 4 फिट, एंड इसको मैंने ट्रिम एक्सटेंड की मदद से यहां पे किया बाउंड्रीज को क्लोज, एंड सेम ये क्लोज, ठीक है, ये साइड की मेरी बाउंड्री, एंड यहां पे आएगा मेरा राइजर, तो मैंने ये राइजर क्रिएट किया, एंड ऑफसेट की मदद से 10 इंच के मैंने बनाए ग्रेड, तो ये मेरी प्रूफ प्रोफाइल बनी, ये आउटर की मेरी मैंने बाउंड्रीज बनाई सेम आउटर आउटर मैंने बाउंड्री, एंड अंदर के जितने मेरे को स्टेप्स चाहिए थे वो मैंने सारे अपने राइजर से क्रिएट किए, एंड सिंपली मेरे को करना है फिनिश, ठीक है, जैसे ही मैं फिनिश करूंगा आप अगर आप 3D में देखेंगे तो मेरी स्टेयरकेस बन जाएगी, हम रेलिंग्स अभी बिगड़ गई तो हम रेलिंग्स को कर रहे हैं डिलीट, हमें रेलिंग्स की नीड नहीं है, सेम यहाँ पर स्ट्रिंगर्स कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसको भी हम बाद में देखते हैं, ठीक है, तो आपकी स्टेयरकेस बन गई, हम स्ट्रिंगर्स को कर देते हैं यहाँ से नन, स्ट्रिंगर्स स्ट्रिंगर्स ये रहे हमारे स्ट्रिंगर्स, हमने इनको किया नन, यहाँ पे नन, अप्लाई एंड ओके, हमारी स्टेयरकेस बन गई प्रॉपर, अब आप सेम यहाँ से जाके उसको चेंज कर सकते हैं, हमने मोनोलिथिक कर दी, आपकी बन गई स्टेयरकेस, तो इस टाइप से आप स्टेप बाय स्केच का यूज करके अपनी स्टेयरकेस को क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर, सिंपली डिलीट, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रैलिंग के बारे में, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।